माही ने लगाई मदद की गुहार। बीसीसीआई ने सुनी धोनी की पुकार। इंग्लैंड में द्रविड़ करेंगे टीम का उद्धार। आज से 5 साल पहले राहुल द्रविड़ को वनडे टीम से बाहर किया गया। इस वाक्य ने द्रविड़ को इतनी ठेस पहुंचाई कि 9 मार्च 2012 को उन्होंने टेस्ट और T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। शायद द्रविड़ को पता लग चुका था कि महेंद्र सिंह धोनी के यंग ब्रिगेड का वो हिस्सा नहीं बन सकते और ना ही टीम को उनकी जरूरत है। मगर तजुर्बा बोलता है और जब बोलता है तो बड़े बड़ों को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देता है। वक्त की नजाकत देखिए कि आज सीनियर्स की मुखालफत करने वाले भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को द्रविड़ के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। जी हाँ, बीसीसीआई ने एक मेल जारी कर बताया कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने द्रविड़ को इंग्लैंड भेजने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद बोर्ड ने उनसे संपर्क साधा और द्रविड़ इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हो गए। द्रविड़ 9 जुलाई तक टीम इंडिया के साथ रहेंगे। वो भारतीय खिलाड़ियों से अपने अनुभव साझा करेंगे। जाहिर है, महेंद्र सिंह धोनी को पता है कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज बतौर कप्तान बहुत हद तक उनके करियर की दिशा और दशा तय करेगी। अगर इंग्लैंड में हिंदुस्तान हारा तो उनकी साख पर बट्टा भी लग सकता है। लिहाजा धोनी को द्रविड़ की याद आ गई, उस द्रविड़ को जो इंग्लैंड में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में नंबर 2 पर है। द्रविड़ ने सचिन के बाद इंग्लैंड में सबसे ज्यादा 1376 रन बनाए हैं। यही नहीं, इंग्लैंड में भारत की ओर से सबसे ज्यादा 6 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी द्रविड़ के ही नाम है, जबकि इंग्लैंड में 68.40 की उनकी औसत की भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। खैर, जिस टीम के पास वही कोच हो जो इंग्लैंड की कोचिंग कर चुका हो, जिस टीम के पास एक शानदार कप्तान हो, उस टीम को भला द्रविड़ की याद कैसे आई, यह सोचने वाली बात है। साथ ही सोचने वाली बात यह भी कि विदेशी कोच को हटाकर क्यों ना अब देसी कोच का फॉर्मूला अपनाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के पास सिर्फ द्रविड़ ही नहीं बल्कि सलाह देने के लिए सचिन, सौरभ, लक्ष्मण और कुंबले सरीखे दिग्गज खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें सिर्फ कोचिंग की डिग्री ही लेनी है। बतौर खिलाड़ी इनके पास तजुर्बे की कोई कमी नहीं। दिवाकर सिंह, भास्कर न्यूज़।